आशु की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मसाला चाट, जो गर्मी के मौसम में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और ठंडक और तरावट देने वाला होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो, मैंने छाछ लिया है, मैंने दही को मत करके और इसको छाछ बनाकर रख लिया है। एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा पुदीना, एक हरी मिर्च, मैंने एक छोटा चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच काला नमक और एक चम्मच सादा नमक। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। तो सबसे पहले इसे हम पीस करके तैयार कर लेते हैं और इसके लिए हम मिक्सर जार ले लेंगे। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा मोटा ही पीसना है। इसके अंदर इसे हम डाल लेते हैं। अभी थोड़ा सा पीस जाए इसके लिए आधा चम्मच पानी डाल लेंगे, इसे पीस लेंगे। पुदीना, हरी धनिया और हरी मिर्च को मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है और इसके लिए हम ग्राइंडर लेंगे। आप चाहें जिसे मथनी से भी मथ सकते हैं, जिसे हम दाल मथते हैं उससे भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो मट्ठा बना कर रखा है इसे डाल देंगे। अगर आपके पास दही है तो आप दही डाल दीजिए। इसके अंदर इसे हम डाल देंगे। इसके अंदर हमें नमक डालना है, नमक स्वाद अनुसार डालना है। एक चौथाई चम्मच डाल देंगे सादा नमक और एक चौथाई चम्मच काला नमक। जीरा पाउडर डालेंगे, ये भी एक चौथाई चम्मच डाल देंगे। और ये मैंने पेस्ट इसका बनाकर रखा है, हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक का, इसे हम सब डाल देंगे। और इसके अंदर कुछ आइस क्यूब डाल देंगे। अब इसे मिक्सी में अच्छी तरीके से चला लेंगे। और इसे मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने 250 ग्राम दही लिया था और इसका मट्ठा बना करके रखा था। तो आपको जितना पतला बनाना हो या जितना गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसे हम सर्विंग ग्लास में निकालते हैं पर से थोड़ा सा भुना और पिसा हुआ जीरा डाल देते हैं। इसे पुदीने से गार्निश कर देते हैं और हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक मसाला छाछ बनकर तैयार हो गया है। ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तो आप इस तरीके से मसाला छाछ बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने कमेंट में जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।